अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, आई एम योर टीचर मैमुना जावेद एंड इट्स अवर कंप्यूटर लेक्चर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन योर होम्स। इन दिस लेक्चर वी विल रीड फीचर्स ऑफ वर्ड 2013। द टॉपिक्स वी विल रीड इन दिस लेक्चर आर चेंज केस, फाइंड एंड रिप्लेस, ब्लड एंड नंबरिंग्स टू रिमूव द ब्लड एंड सिम्बल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू द चेंज केस। वॉट इज चेंज केस? चेंज केस मीन्स द राइटिंग स्टाइल, द राइटिंग टाइप जिसके रिलेटेड आप हम कंप्यूटर के अंदर वर्किंग करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम बात की जाए चेंज केस के, पहले हम नेम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर में देखें, देर आर 1, 2, 3, 4, 5 चेंज केसेस आर गिवन। फर्स्ट इज सेंटेंस केस। फॉर सेंटेंस केस इज रिटन जस्ट लाइक द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इज कैपिटल एंड द रिमेनिंग आर इन स्मॉल लेटर्स। सो दीज आर द सेंटेंस केस। द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इज इन कैपिटल एंड द ऑल अदर आर इन स्मॉल, सो इट्स कॉल्ड सेंटेंस केस। द लोअर केस, ऑल द कैपिटल्स आर इन लोअर फॉर्म, नॉट द फर्स्ट ऑल्सो। अपर केस, ऑल द लेटर्स ऑफ द केस इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज इन कैपिटल। एंड टॉगल केस मीन्स द फर्स्ट लेटर इज small and other is capital. These are the sentences, these are the change case, the writing styles in which we can write our writing. हम इनको select कर सकते हैं और जो सी भी writing को हमने choose किया होगा, first cap sentence case को choose किया होगा, capital case को choose किया होगा, तो उसी form में ही typing होगी. Select the text which you want to change the case. Go to the home. हमने जो से select कर change करना है हमने type का, उसको choose किया जाए और डिफ़ॉल्ट जो केस होता है वो सेंटेंस केस ही होगा। उसके बाद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ द चेंज केस इज सेंटेंस केस। गो टू द होम, हम होम पे जाएंगे, चेंज केस। डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, टू लीव द अदर लेटर्स ऑफ द लॉयर केस, क्लिक द सेंटेंस केस। हम देखें, उन्होंने यही कहा कि हमने अगर फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है और रिमेनिंग को लॉयर में रखना है तो हम इसके लिए सेंटेंस केस चूज करेंगे। टू एक्सक्लूड द कैपिटल लेटर्स फ्रॉम टेक्स्ट एंड क्लिक लॉयर केस। और अगर हमने लॉयर केस सेलेक्ट करना है तो हम लॉयर केस को सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह ही राइटिंग्स में लिखा हुआ है, दीज आर देयर फॉर्म्स। और अब हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं? चेंज केस में होम टैब पे जाएंगे, देयर आर होम टैब एंड इट्स द चेंज केस ऑप्शन आर गिवन। इसकी मदद से हम चेंज केस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो ए और स्मॉल ए गिवन है, देयर आर द केसेस ऑफ चेंज केस आर गिवन, और हम इनको चेंज केस कर सकते हैं किसी भी तरह के जो हमने चेंजिंग करना चाह रहे हैं। सो नाउ द फाइंड एंड रिप्लेस। द सेकंड टॉपिक इज फाइंड एंड रिप्लेस। व्हाट इज फाइंड एंड व्हाट इज रिप्लेस? द फाइंड कमांड कैन बी यूज टू लोकेट द स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। फाइंड किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए यूज़ की जाती है, डेट कॉल्ड फाइंड। और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को उसको ढूंढने के बाद उसको रिप्लेस करने को रिप्लेस कहा जाता है। टू रिप्लेस कमांड कैन बी यूज टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट एंड दे आर गिवन इन एडिट फॉर्म। फाइंड एंड रिप्लेस, दीज आर द गिवन। हम इसे फाइंड करेंगे और देन रिप्लेस देयर वर्ड। फाइंड करने के बाद हमने जो सा वर्ड फाइंड करना है वो वी कैन राइट हेयर। हमने जो भी वर्ड को फाइंड आउट करना है वो वी कैन राइट हेयर। और फिर उसके बाद फाइंड करने के बाद वी कैन चेंज, अगर हमने वो वर्ड के स्पेलिंग या कोई भी चेंज करना है, उस वर्ड को चेंज करना है तो हम उसको यहाँ करेंगे और फिर उसके बाद ओके कर देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर उसको रिप्लेस सिर्फ वन फॉर्म में करना है, उसी के लिए करना है, तो सिर्फ रिप्लेस करेंगे। अगर हमने होल डॉक्यूमेंट में उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। उसके बाद हम अगर फाइंड नेक्स्ट, और अगर हमने उसके बाद दूसरे लेटर को फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड नेक्स्ट से जाकर दूसरे लेटर को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बुलेट एंड नंबरिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मीन्स के हमने जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डॉट्स और जो ब्लैक डॉट्स होते हैं, जब कोई भी सिंबल यूज़ किया जाता है उसको ब्लॉट्स कहा जाता है। और नंबरिंग मीन्स जब हमने किसी भी पैराग्राफ में या नंबरिंग 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हमने उसकी नंबरिंग और उसकी क्वांटिटी हमारे लिए मायने रखती है कि हमने काउंट करनी है कि ये कितनी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम नंबरिंग यूज़ करेंगे। और बुलेट्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे लिए नंबरिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। सो अ बुलेट कैन इज अ डॉट और अ सिंबल डेट मार्क्स एज अ इंपॉर्टेंट लाइन और इंफॉर्मेशन। अ बुलेट लिस्ट इज यूजली टू बी व्हेन ऑर्डर ऑफ आइटम इज नॉट टू बी नेसेसरी, बट अ नंबर लिस्ट कैन बी यूज फॉर द लिस्टिंग
When the order of items is to be important, the sequence of events are or steps. हमारे पास sequence of event और steps जब हमारे लिए ज़रूरी होंगे तब हम numbering use करेंगे जो कि 1, 2, 3, 4 की form में होंगे. अब आए हम इनकी picture देखते हैं. जस्ट दीज आर द फॉर्म ऑफ बुलेट्स. दीज आर ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ बुलेट. और जब यहाँ पर नंबरिंग की फॉर्म में होंगे 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में, दीज कॉल्ड नंबरिंग. सिंबल्स आर द सच एज करेंसी, म्यूजिक और चेक मार्क्स. दीज आर द सिंबल्स. और सिंबल्स जो हैं ये कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं किसी भी तरह की चीज़ें इंसर्ट करने के लिए, हर तरह की कहीं से किसी भी यूज़ करने के लिए हम इन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है. जहाँ पर हमें सिंबल्स की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम कर्सर प्लेस करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे. इंसर्ट टैब के बाद हम इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम मूव ऑन करेंगे और जौन से हमने टैब को चूज़ करना है इसमें से हम जौन सा भी चूज़ करेंगे सिंबल, उसके बाद हम उसको इंसर्ट कर देंगे. जहाँ पर हमारा माउस कर्सर था वहाँ पर कर्सर प्लेस हो जाएगा. आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुलेट एंड नंबरिंग एंड ऑल टॉपिक्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.